अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मिर्ज़ा हनीफ बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान न्यूज़ टीवी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना है और हर तरफ अकीदतमंदाना तरीके से रोज़े रखे जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग, बल्कि बहुत से क्या 70 से 80% लोग जाने अनजाने में अपने रोज़ों को ज़ाया करते हैं। वो किस तरीके से? वो ये कि सहरी का टाइम जो है, जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, वो ये है कि जब रात के अंधेरे की स्याह धारी से सुबह की सफ़ेद धारी जो है वो अलहदा हो जाए, तो उस वक्त रोज़े का टाइम ख़त्म हो जाता है। और ये आजकल हमारे टाइम टेबल के हिसाब से ऐसा है कि जो अजान फजर नमाज के लिए जो अजान दी जाती है, उससे 3-4 मिनट पहले ये होता है, तो उसके बाद हम लोग जो है वो अजान को समझ लेते हैं कि सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है, उस वक्त तक खाते पीते रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो अभी अजान कभी यहाँ पे हो रही है, अभी 1-2 मिनट के बाद किसी और मस्जिद में हो रही है, और जब तक वो अज़ान ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त खाते पीते रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से आप अपने रोज़े को ज़ाया कर रहे होते हैं। रोज़ा जो है वो रोज़े की सहरी का टाइम जो है वो अज़ान के टाइम से कुछ 3 से 4 मिनट पहले का है, तो एहतियातन आप 5 मिनट पहले जो है वो बंद कर दें, सहरी खाना बंद कर दें, ताकि आपका सारा दिन का भूख प्यास का जो है वो आपको अजर मिल सके और रोज़े का आपको अजर मिल सके, वरना जाने अनजाने में आप रोज़े को ज़ाया कर रहे होते हैं। तो जनाब से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि किसी एक का भी अगर रोज़ा बच गया तो उसका अजर आपको मिलेगा। मुझे तो जो मिलना है वो मिले ही गया, लेकिन आपको भी उसका अजर मिलेगा। तो फजूल की वीडियो तो आप शेयर करते रहते हैं, तो जनाब से गुजारिश ये है कि इस रमज़ान मुबारक में अपने रोज़े भी बचाएं और दूसरों के रोज़े भी बचाएं। जज़ाकअल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।